नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत जो एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देश में लागू की गई है कुछ ही दिनों पहले उसके बारे में और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े डॉक्टर अमित सेन गुप्ता न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत तो आ, पहला सवाल तो यही कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने खुद इस योजना का उद्घाटन किया और इसको Uh, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना uh, के तौर पर uh, सबके सामने लाने की कोशिश की जा रही है ये कितना सही है इसका इसकी घोषणा तो बजट के समय ही कर दिया गया था लेकिन औपचारिक घोषणा अभी की गई है और uh, बढ़ चढ़ के ये काफ़ी इस पर uh, शोर है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोटेक्शन uh, के लिए स्कीम है uh, इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी चीज़ को सबसे बड़ा कह देने से ही वो बड़ा नहीं हो जाता और बाकी देशों की बात हम छोड़ देते क्योंकि चीन में इससे कई बड़े स्की, स्कीम्स हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है जाहिर है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या अधिक है तो उसमें स्कीम्स भी बड़े होंगे लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन हिंदुस्तान में ही जो एनएचएम है नेशनल हेल्थ मिशन Uh, का जो स्कीम है जो कई सालों से चल रहा है लगभग दस बारह सालों से uh, उसका जी उसका जो सालाना लागत है वो लगभग सेंट्रल बजट का वो लगभग तीस से पैंतीस हजार करोड़ है uh, और इसके अलावा स्टेट इस बजट से इसमें पैसा लगता है uh, और इस स्कीम के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक uh, जो आयुष्मान भारत है बारह हज़ार करोड़ जो है वो कह रहे हैं कि हर साल इसमें खर्च होगा जो हम मानते हैं बहुत कम है लेकिन वो ये मिनिस्ट्री कह रही है कि बारह हज़ार है और इस साल सिर्फ दो हज़ार करोड़ ही इस स्कीम के लिए बजट में इसका प्रावधान रखा गया है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि दो हज़ार इस साल शायद अगले साल से बारह हज़ार करोड़ और एक ऐसा स्कीम हमारे देश में ही चल रहा है जो तीस पैंतीस हज़ार करोड़ सेंट्रल एलोकेशन है तो किस लिहाज से हम कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आ, स्कीम है इस तरह का जी दरअसल ये आप इस स्कीम के बारे में इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या योजना और देखिए ये कोई ये नया नहीं है आ, इस तरह के स्कीम जो इंश्योरेंस आधारित है Uh, ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आरोग्यश्री स्कीम के नाम से चालू किया गया था लगभग पंद्रह एक साल पहले और उसके बाद कई राज्यों में इस तरह के स्कीम चलाए गए अभी भी चल चल रहे हैं जैसे राजस्थान में भामाशाह नाम का स्कीम है तमिलनाडु में कैलंगी नाम का स्कीम है अलग अलग राज्यों में इस तरह के स्कीम्स हैं और आ, पूरे देश भर में आर नाम से एक नेशनल स्कीम भी है इन सब की रूपरेखा एक किस्म की है okay. आ, उसमें यह है कि इनको पब्लिक फंडेड इंश्योरेंस कहते हैं इसलिए कि आ, जो प्रीमियम है वो बेनिफिशरीज़ को नहीं देना पड़ता वो सरकार देती okay. है और जो चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करवाया जाता है वो एक मिक्स होता है यानी कि वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में सरकारी हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं या निजी हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं लेकिन अनुभव ये बताते हैं अधिकतर जगह में मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं तो यानी कि सरकारी पैसा लगता है सरकारी पैसा मतलब आप पर मेरा पैसा है।, है और वो लगाया जाता है चिकित्सा जो मुख्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल्स में Uh, किया जाता है तो एक तरह से ये एक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट पहली बात दूसरी स्कीम की खासियत यह है कि ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और ये नहीं कि हर कंडीशन के लिए है एक पैकेज package, कुछ पैकेजेस जो है वो पहले से निर्धारित है उन्हीं आ, पर ये लागू होता है ये स्कीम और अगर आप स्कीम के अंतर्गत आते हैं आ, तो फिर आ, एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि एक परिवार के लिए आ, एक साल में इतना आप क्लेम कर सकते हैं तो इस स्कीम में जो है वो मैक्सिमम लिमिट पाँच लाख का रखा गया है आ, जो कि पहले से अधिक है जैसे आर एस बी आई स्कीम में तीस हज़ार था कई जगह पे एक लाख है या पे पाँच लाख है तो इस पर भी बहुत चर्चा है कि पाँच लाख लोगों को मिलेगा समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो भी अस्पताल में भर्ती हो जाता है उसको पाँच लाख मिलने वाला है क्योंकि इस तरह की एक समझ बनाई जा रही है प्रोपोगेंडा मशीनरी में आ, बहुत ही कम ऐसे होंगे बेनिफिशियरी जिनको पाँच लाख वाकई शायद मिलेगा क्योंकि पुराने अनुभव ये बताते हैं कि इन इंश्योरेंस स्कीम्स में अधिकतर जो आ, क्लेम्स हैं वो दस हज़ार से पचास हज़ार तक होते हैं तो आप उसकी सीलिंग पचास हज़ार रखिए या पाँच लाख रखिए बहुत कम लोगों को उससे फर्क पड़ने वाला है तो ये है मोटे तौर पर ये ये है स्कीम आ, जो अभी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में लगभग मेरे ख्याल से दस करोड़ फैमिलीज़ को इस, इसके अंतर्गत परिवार को लाया जाएगा यानी कि लगभग पचास करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा ये स्कीम है जी आ, ये जो स्कीम है ये इंश्योरेंस मॉडल पर आधारित है तो आप इंश्योरेंस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में ये मॉडल दरअसल बाकी जगहों पर फेल होता नज़र आता है ये इंश्योरेंस मॉडल हमारे देश के अपने अनुभव ये बताते हैं कि ये फेल रही है ये कामयाब मॉडल नहीं है चाहे वो सबसे पहले जहाँ आरोग्यश्री स्कीम से शुरू शुरुआत हुई थी फिर बहुत सारे और राज्य में और देश में चलाए गए इसके कई कारण हैं फेल होने के एक कारण तो ये है कि कागज़ में बेनिफिशरीज़ कहा जाता है कि इतने होंगे लेकिन ज़मीनी तौर पे उसका एक छोटा सा हिस्सा ही इनरोल हो पा तो एक तो पोअर एनरोमेंट एक इसकी बहुत बड़ी समस्या है जानकारी नहीं होती है इन स्कीम्स के बारे में आ, दूसरी दूसरी जो आ, समस्या इसमें आती है कि अगर जानकारी होती भी है तो खासकर अगर आप दूर दराज इलाके में हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो वो अगर मौजूद नहीं है तो स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है यानी कि स्कीम बनाने से ही आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आपको डॉक्टर चाहिए अस्पताल चाहिए दवाएं चाहिए आ, तो इसलिए ये आ, उन लोगों के लिए जिनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज़रूरी है जो सबसे वंचित है जो सबसे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके लिए इसका बहुत लिमिटेड एक फ़ायदा रहता है तीसरी जो दिक्कत है और बहुत लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि अधिकतर जो फैसिलिटीज़ हैं जो स्कीम के अंतर्गत सेवाएं देती हैं ये प्राइवेट है और पुराने अनुभव ये बताते हैं कि बहुत सारे सारे नहीं लेकिन एक बड़ा हिस्सा इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ का वो है जो इस स्कीम का लाभ उठा के लोगों को लूटते हैं जैसे कई सारी कहानियाँ आई हैं किस तरह से गलत इन्वेस्टिगेशंस फज़ूल की इन्वेस्टिगेशन दवाएँ दी जाती है ताकि वो रि में वो अस्पताल उसको प्राइवेट अस्पताल वो पैसा ले पाए और ज़रूरत के बगैर जो है प्रोसीडियर्स करते हैं जैसे एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया कई कई राज्यों में कि वो हिस्टेरिक्टमी एक ऑपरेशन होता है बच्चा निकालने का यूट्रस निकालने का ऑपरेशन तो वो बी बाईस बाईस तेईस तेईस साल की लड़कियों की हिस्टरिक्टमी उन्होंने कर दिया कुछ छोटी मोटी गाइनोकोलॉजिकल बीमारियों के लिए गए और उन्होंने कहा कि नहीं आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा तो इस तरह के बहुत सारी ये तो एक मैंने बताया आपको उदाहरण इस तरह के बहुत सारे सामने आए हैं जिसमें लोगों को लूटा गया है मनशा ये नहीं रही कि लोग चिकित्सा बेहतर मिले लेकिन किस तरह से ये प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है पैसे बनाए, वो एक आ, वो इसका ये स्कीम जो है इस तरह के स्कीम जो है उसका ज़रिया बन गया है तो ये दिक्कतें हम जानते हैं ये ऐसा नहीं है कि और इसके अलावा जो एक और दिक्कत है कि ये सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड केसेस के लिए है और वो भी सीमित जो पैकेज के अंतर्गत आते हैं आ, कहा जा रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यानी कि जो लोग अपने जेब से खर्चा करते हैं स्वास्थ्य के लिए जो हिंदुस्तान में दुनिया में आ, जो सबसे अधिक निजी खर्चा है उसमें से एक देश माना जाता है तो वो कम होगा यानी कि क्योंकि हिंदुस्तान में आंकड़े ये भी बताते हैं कि लगभग पाँच से सात करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे धकेले जाते हैं सिर्फ़ चिकित्सा के लिए पैसा उनको खर्च करना पड़ता है ज़मीन गिरवी रखते हैं अपने एसेट्स बेचते हैं वगैरह लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं हमारे देश में कि अधिकतर खर्चा जो है वो अस्पताल में भर्ती होने के बाद नहीं होता अधिकतर खर्चा होता है लोगों का जो दिन रोज़मर्रे की बीमारियों के लिए वो दवा लेते हैं ओपीडी से इलाज करवाते हैं और गंभीर बीमारी के लिए ऐसे होता है जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट है कैंसर की रो मरीज़ है वो अस्पताल में भर्ती होता हो कुछ एक दिन के लिए शायद होता होगा लेकिन बाकी समय तो उसका घर में ही इलाज चलता है घर में ही दवाई लेते हैं। उससे टी की बीमारी है कई महीनों तक वो चलाना पड़ता है लेकिन वो तो घर में बैठ के दवाई लेते हैं तो उन इस तरह का जो खर्चा है इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला तो ये सिर्फ हॉस्पिटल बेस जो अंग्रेजी में कहते हैं टर्शरी केयर उसके लिए ये स्कीम है और लोगों का ये मानना है एक्सपर्ट्स के मानना है कि ये आ, मरीजों के फायदे के लिए कम है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के फ़ायदे के लिए अधिक है क्योंकि अब उनको मरीज ढूंढना नहीं पड़ेगा सरकार खुद पैसे समेत उनको मरीजें पहुँचाएंगी इस पूरी एक योजना में जैसे आपने प्राइवेट अस्पतालों की बात की इसमें एक बड़ा प्लेयर प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी हैं और लोग लोग जिन जो इन इस स्कीम का की आलोचना कर रहे हैं उनके लिए यही है कि ये ज़्यादा फ़ायदा जो है ये इंश्योरेंस कंपनियां लेके जाएंगी इसके बारे इस पर पर में इसमें दो पक्ष हैं क्योंकि जब ये शुरू हुए थे इस तरह के स्कीम्स पहले आ, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज़ को ये जिम्मेदारी दी जाती थी और इसके वजह से बहुत सारा इसके बारे में क्रिटिसिज्म आया आ, तो कई जगह पे वो इंश्योरेंस कंपनीज को क्योंकि ये तो बिचौलिये हैं इंश्योरेंस कंपनीज तो उनको हटा के आ, एक ट्रस्ट आ, बनाया गया तो अभी जो बन रहा है कुछ राज्यों में इंश्योरेंस कंपनीज हैं कुछ राज्यों में ट्रस्ट है अगर ट्रस्ट बन रहा है तो वो बेहतर स्थिति है क्योंकि 20 20 22 परसेंट तो खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनीज अपने मलाई जो है वो निकाल लेते हैं स्कीम से तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही चलाएंगी कुछ राज्यों में इंश्योरेंस कंपनीज होंगी वो राज्यों पर निर्भर करता है किस तरह से वो चलाते हैं एक चीज़ की इस तरह की योजनाएं लाने से बेहतर आपके हिसाब से क्या बेहतर होगा कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए खासतौर से स्वास्थ्य संबंध देखिए इंश्योरेंस का जो मूल उसके आ, 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 मूल जो लॉजिक दिया जाता है इंश्योरेंस का फ़ायदा यह है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिस्क पूलिंग यानी कि अगर आप हज़ार लोगों को जोड़ लें और वो सब मान लीजिए दस दस रुपए देंगे आ, तो उससे जो हज़ार में से मान लीजिए बीस लोग बीमार पड़ेंगे उनको चिकित्सा मिलेगी ये ये प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का किसी भी इंश्योरेंस का अब सबसे अधिक हिंदुस्तान में रिस्क पूलिंग क्या हो सकता है पूरा देश अगर सारे देश के, के लोग एक साथ हो वो सबसे बड़ा रिस्क पूलिंग हो जाता है और अगर ये सभी लोग एक सिस्टम जो सरकारी सिस्टम हो जो पब्लिक सिस्टम हो उससे उनको चिकित्सा मिले ये तो सबसे बेहतर इंश्योरेंस सिस्टम है जो फंडिंग उसका टैक्स फंडेड हो टैक्स से जो पैसा आता है उससे फंडिंग हो और सभी लोग गो को इस उसका लाभ मिले ये सबसे बेहतर इंश्योरेंस सिस्टम भी आप कह सकते हैं तो इसलिए हम लोगों का मानना है कि आ, अगर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य सेवाओं की उसको पूरा करना है तो पब्लिक जो सिस्टम है सरकारी व्यवस्था है उसको कहीं बेहतर और कहीं म, कहीं ज़्यादा मजबूत आपको करने की ज़रूरत है और उसके लिए सिर्फ अस्पताल अस्पतालों की बात नहीं अस्पताल में लोग कौन लोग पहुँचते हैं जो एक बीमारी की एक हद तक जब पहुँच देते तभी वो अस्पताल में पहुँचते हैं लेकिन अधिकतर लोग जो है उनको प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत है और प्राथमिक चिकित्सा अगर नहीं मिलती है तभी कई बारी रोग गंभीर हो जाती है आपको अस्पताल में जाना पड़ता है अगर आपको प्राथमिक सुविधाएं मिले तो प्राथमिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य कर्मी जो है कम है डॉक्टर कम हैं उनपे उनकी ट्रेनिंग पे आज पचास प्रतिशत जो मेडिकल कॉलेजेस है वो प्राइवेट है क्योंकि सरकारी खर्चा कम हो रहा है मेडिकल एजुकेशन में वगैरह वगैरह कई सारे जरिए हैं जिससे पब्लिक सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए सिर्फ प्राथमिक नहीं प्राथमिक भी और हॉस्पिटल बेस्ड भी ये पूरा जो सेक्टर तो अभी बात हो रही है कि बारह हज़ार करोड़ साल की अब वो पैसा कभी आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते अभी तो सिर्फ जैसे मैंने कहा सिर्फ दो हज़ार करोड़ से ही इस स्कीम की शुरुआत हो रही है अगले साल क्या होगा कौन सी सरकार रहेगी कौन पैसा खर्च करेगा इस पर कोई चिंता नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ये था ये मंशा ये थी कि सिर्फ अनाउंसमेंट करना है ताकि कुछ फ़ायदे मिले कुछ पब्लिसिटी मिले लेकिन मान लेते हैं कि कम से कम बारह करोड़ खर्च होगा इस पर जो बाकी जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि बारह हज़ार बहुत कम है इस तरह की स्कीम अगर वाकई पचास करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो कम से कम पचास हज़ार करोड़ खर्चा होगा पचास हज़ार करोड़ जो है पूरा हमारा सेंट्रल हेल्थ बजट जो है लगभग उतना ही है तो अगर इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है तो वो खर्चा अगर पब्लिक सिस्टम को मजबूत करने में लगाया जाए तो वो एक नेशनल एसेट है अब तो वो पैसा जाएगा प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा मज़बूत बनाने लें और निजी प्रॉफिट्स जो है वो बना वो बढ़ाने में तो आ, हमारा ये मानना है कि ये दिशा ही अलग होना चाहिए आ, जो पैसा खर्च होता है जो ध्यान दिया जाता है वो पब्लिक सिस्टम को मज़बूत करने की होनी चाहिए ना कि ये प्राइवेट सेक्टर और इंश्योरेंस के इंश्योरेंस uh, को मिला के एक हेल्थ सिस्टम बनाएंगे। हमारे साथ इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद